अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट्सएप की तीन न्यू सेटिंग। व्हाट्सएप ने बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट की है और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर व्हाट्सएप के अंदर अब लॉन्च कर दिए गए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे कि वो फीचर कौन से हैं और किस तरह आप उनको ला सकते हैं, आपको उनका क्या क्या बेनिफिट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है और आपको उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये सारी सेटिंग्स के लिए आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अपडेट करना है। अगर आपके पास ये फीचर्स अभी तक नहीं आए तो किस तरह आपने लेके आने हैं। उसके साथ साथ आप अपना लास्ट इन भी फ्रीज कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट इन फ्रीज के बारे में। तो जैसे ही कोई भी बंदा अब आपको मैसेज करेगा, जैसे ही मैसेज करेगा, मैसेज करने के बाद वो मैसेज आपके पास कुछ इस तरह आएगा, जैसे ऊपर देख सकते हैं पॉपअप विंडो के अंदर, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप उसके साथ चैट कर सकेंगे, आपको व्हाट्सअप ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहीं से आप उसके साथ चैट कर सकेंगे, आपका लास्ट इन भी सेव रहेगा और सारा डाटा आपका सेव रहेगा। मतलब आप लोग किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, आपका लास्ट इन फ्रीज होगा, ठीक है। मतलब कि आपका लास्ट इन शो नहीं होगा, आपको व्हाट्सएप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं से किसी के साथ भी चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना है। अगर नहीं होता अपडेट तो आपके पास फीचर नहीं आते, तो आपने क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं खुद सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये टाइटल होता है, इस टाइटल पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐप लिंक। सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक के अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर ये होगा कि आप लोगों का व्हाट्सएप अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप यहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट करेंगे तो ये सारे फीचर आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा ऐप लिंक है, ये इस तरह का जो लास्ट इन फ्रीज करने के लिए जो ऐप बताया गया है इस वीडियो के अंदर, वो इसके अंदर होगा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ फीचर्स के बारे में। उसके अलावा अगर कोई भी ऐप आपसे डाउनलोड नहीं होती मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एपीके साइकिल। जैसे आप जाके यहाँ पे एपीके साइकिल सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट आएगी apksaikil.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके आप हर तरह की ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे, जो मर्जी आप ऐप इंस्टॉल करना चाहें तो वो ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ से जाके उन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे या फिर आप लोगों को उसके अलावा आप व्हाट्सएप को अपडेट कर लेंगे, उसके बाद हम पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं वो क्या है। अगर हम व्हाट्सएप के अंदर जाएं तो हमारे पास पहले ऐसा होता था, अगर हम कोई भी वॉलपेपर चेंज करते थे तो ऑटोमेटिकली सबके वॉलपेपर चेंज हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ न्यू मिलता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए, पहले आपको जस्ट कुछ और तरह के वॉलपेपर, जस्ट सॉलिड कलर्स के वॉलपेपर मिलते थे, बट अब आप देख लीजिए आपको ब्राइट से रिलेटेड आपको वॉलपेपर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप के अपने वॉलपेपर है, कोई मैंने ऐप डाउनलोड नहीं की इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपने अपना व्हाट्सएप अपडेट करना है, लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपडेटेड है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास डार्क है, मतलब कि उन्होंने कैटेगरीज बना के आपको दे दी है, अब आपको वॉलपेपर कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप के अंदर ही आपके पास आ जाते हैं। इसके साथ साथ सॉलिड कलर के अंदर काफ़ी चेंजिंग की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई भी सॉलिड कलर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको नीचे ये भी बताएगा कि आप लोग व्हाट्सएप के जो डूडल्स हैं वो इसके अंदर लगाना चाहते हैं या नहीं, तो आपने इसको अनचेक कर देना। आप देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर डूडल्स लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो उसके बाद सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको यह बता रहा है कि आप जस्ट इसको फॉर दिस चैट, मतलब किंग की चैट के ऊपर लगाना चाहते हैं या फिर फॉर आर चैट, ठीक है, या फिर आप सारी चैट्स के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप एक पे लगाना चाहें, इस तरह आप डिफरेंट्स पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये लग गया, इस तरह आप लोग डिफरेंट अगर चैट ओपन करेंगे तो उस पर ये नहीं लगा होगा, उस पर कोई और होगा। तो इस तरह आप लोग अपनी मर्जी से अपने इमेज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फोटो का भी आपके पास ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इसके अंदर मिल जाती है, मतलब ब्राइट में से कोई भी आप लगाना चाहिए, जैसे कि ये है इसको आप लगाना चाहिए। सेट एज वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो गया। तो इस तरह आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास ये आपके पास व्हाट्सएप का फीचर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। फर्स्ट फीचर मैंने आपको बताया कि लास्ट इन को फ्रीज करने के लिए वो ऐप आप डाउनलोड करें और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो भी मैसेज आएगा वो उस ऐप के अंदर आएगा, उसको आप लोगों ने जो है ना वो उसी ऐप के अंदर जाके आप कर सकते हैं सब कुछ। लास्ट में भी उसके बारे में बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप किसी के भी चैट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक न्यू फीचर मिलता है, यहाँ पे मतलब कि इंक्रिप्शन के ऊपर एक फीचर मिलता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये फीचर है डिसअपेयरिंग मैसेज का, मतलब ऑटो डिलीटिंग का, ठीक है, ऑटो हाइड का। इसका ये होगा फायदा, इसका बेसिकली ज़्यादा फायदा नहीं है अगर हम बात
बात करें इसका बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए। अगर आप इस फीचर पे क्लिक करके इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, ऑन जैसे आप ऑन करेंगे अब आपके पास चैट के ऊपर आपके पास एक क्लॉक सी आ जाएगी, ऊपर देख सकते हैं ये क्लॉक सी आपके पास आ गई है। नेक्स्ट पर्सन के पास भी इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आमिर ने जो है ना वो ये टर्न ऑन कर दिया है डिसअपीयरिंग मैसेज का। इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें ये होगा कि आपने जब ये फीचर ऑन किया उसके बाद आपने हाई का मैसेज किया, कोई भी अगर आप इस बंदे को मैसेज करते तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली 7 डेज के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली उस बंदे के मोबाइल फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, ऑटो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इसके अंदर इन्होंने 7 डेज की लिमिट रखी है, मेरे अगर मैं बताऊँ कि ये फीचर्स इतना हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता किसी के लिए। टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम के अंदर ये फीचर्स इस तरह है कि उसका 1 सेकंड के बाद मैसेज डिलीट, मतलब कि कोई स्क्रीनशॉट भी ना ले सके, मतलब जैसे कोई बंदा इस मैसेज को देखे ऑटोमेटिकली डिलीट। तो इस तरह होना चाहिए था फीचर, बट इसके अंदर अब पता नहीं इन्होंने 7 डेज का रख के क्या ये सोच रहे हैं, बट इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसका जो मेन मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि 7 दिन बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली आपकी चैट से और आपके फ्रेंड की चैट से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसका जस्ट यही फीचर है और इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये है डिसअपीयरिंग व्हाट्सएप का फीचर। तो ये थे 3 फीचर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी आपको मैसेज करता है तो यहाँ पे देखिए आपके पास मैसेज आपके पास आ जाता है, तो ये इस तरह के मैसेज ऊपर आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो वो मैसेज यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी मैसेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो मैसेज भी आपके पास ऊपर यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देख लीजिए ये मैसेज आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो लिंक मैंने दिया हुआ है इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।